तो वेलकम बैक दोस्तों, आप दोनों बाइक अपडेट है। मैं आपसे रहा हूँ, देख सकते हो बजाज पैटिना साहब हम आ चुके हैं। तो आप लोगों से बहुत सारे लोग को डिमांड थी बजाज पैटिना का एबीएस के बारे में वीडियो बनाए। पहले जैसे आपको एबीएस देखने को मिलता था, वहाँ पे आपको इस पूरा एबीएस देखने को मिल रहा है। तो बजाज कंपनी ने फिलहाल इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन दोबारा से इस बाइक को लॉन्च किया दोस्तों। तो इस बाइक के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये सारी चीज इस वीडियो में अंदर डिस्कस करूंगा। जैसे फ्रंट में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत एबीएस प्रोवाइड कर दिए उससे। तो अगर इस बाइक की मीटर कंट्रोल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिल रहा है, जैसे कि गियर पोच इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, टाइम भी देखने को मिल रहा है, और थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यानी मीटर के मामले में भी आपको नया देखने को मिल रहा है। वहाँ पे आपको गियर पोच इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। पहले आपको इस प्रकार कोई भी बाइक में आपको गियर पोच इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस बाइक में आपको गियर पोच इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। और उससे साथ साथ अगर रियर की प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको आरएलटी प्लेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आरएलटी प्लेट बहुत पहले से आ रही है, लेकिन इस प्रकार जो बाइक है आपको आरएलटी प्लेट देखने को नहीं मिलता। लेकिन पैटिना 110 सीसी में आपको आरएलटी प्लेट रियल में कंपनी ने प्रोवाइड कर दी, जो सेफ्टी के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि रियल के जो टायर प्रोफाइल है या फिर जो स्पीड है उस हिसाब से सेंसर करेगी, उस हिसाब के अगर उसका ब्रेक अप्लाई करते तो उस हिसाब से रुकेगी दोस्तों। तो सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर इस बाइक की आदर्श चेंज से बात की तो पहले जैसे आप कैटलिक कन्वर्टर देखने को मिल रहा है, बेसिक्स पहले से आ रही है। ठीक है, फोर स्पीड गियर के साथ आपको देखने को मिल रहा है। अगर फ्रंट के टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो 80/17 जो ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ रियर की टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो या फिर सेम आपको एक जैसा टायर प्रोफाइल देखने को मिल रहा है, जैसे 80/17 जो ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल रहा है।